वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीन के कौंसल जनरल यांग योनडोंग ने वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का खैर मुकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान खुसूसन कराची में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज़ है, चीनी शहरियों की आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सिंध डिजिटल टेक्नोलॉजी बोर्ड का इजलास। इजलास में वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आसिफ इकराम, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई, बोर्ड मेंबर जहां आरा की शिरकत बजरिया वीडियो लिंक, सिंध डिजिटल टेक्नोलॉजी बोर्ड के अरकान जुनैद कुरैशी, आसिफ पीर, उसामा नासिर शरीक। सिंध डिजिटल टेक्नोलॉजी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केट को हेड रिसर्च के जरिए लिया जाएगा। इजलास में फैसला, पुरानी सब्जी मंडी पख्तूनाबाद PWD कंपाउंड के करीब फायरिंग, एक शख्स हलाक। हलाक होने वाले शख्स को चीफ एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त कैसर अली वल्द गुलाम मुस्तफ़ा, उम्र 26 साल, चीफ एम्बुलेंस 1020। परेडी ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ी में सवार शख्स की फरार होने की कोशिश, पुलिस ने पीछा करने के बाद कार सवार शख्स को पकड़ लिया। कार सवार शख्स से असलहा बरामद, कार की नंबर प्लेट भी मशकूक लगाई हुई है। पुलिस ने कार और ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश के बाद वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरक मेन इंडस हाईवे पर अंबेरी कला चौक में केरी वैन और मोटरसाइकिल के माबैन रोड एक्सीडेंट, हादसे में दो नौजवान शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के अहलकारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कर्क मुंतकिल कर दिया। जख्मियों के नाम फहद मोहसिन, सकना बन्नो।